हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग रिवीजन एंड इन दिस प्रोसेस वी आर डूइंग थर्ड लेसन एंड दैट इज डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस विलियम डगलस इज राइटिंग अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज टेन और इलेवन इयर्स ओल्ड व्हेन ही वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग बेटा विलियम डगलस दस ग्यारह साल के थे जब उन्हें यह लगा कि मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए बिकॉज़ ही हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस वेन ही वॉज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड वो अपने पापा के साथ समुद्र के तट पर विज़िट करता है और समुद्र की लहरें उसके ऊपर आती हैं और पानी से उसको थोड़ा भिगो देती है और वो डर जाता है उसके बाद वो पानी के नज़दीक कभी भी नहीं गया एंड ही डवेल्प्ड फियर ऑफ़ वाटर एंड दैट फियर ऑफ़ वाटर वॉज सो

वहाँ पर उनका एक जैसे हमारे कोई यूथ क्लब होते हैं क्रिकेट क्लब गांव में बनाए उसको हम ज्वाइन करते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए वैसे ही बिकॉज डगलस वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग सो ही जॉइंस वाई एम सी ए स्विमिंग पूल क्योंकि जो वहाँ पर रिवर है जो याकिमा रिवर है दैट वॉज़ वेरी फियर्स वहाँ पर तो वो सीख नहीं सकता था स्विमिंग क्योंकि उसका पानी बहुत तेज बहाव वाला था तो ही डिसाइडेड टू जॉइन वाई एम सी ए स्विमिंग पूल इस पूल को वो ज्वाइन करता है एंड ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग देयर लेकिन बेटा एक दिन जब वो स्विमिंग पूल पर बाकी लोगों का वेट कर रहा होता है वैन ही वॉज सिटिंग ऑल अलोन देयर वेटिंग फॉर अदर बॉयज़ टू कम क्योंकि अकेले उसको हिम्मत नहीं होती थी पानी में कूदने की तो इट वॉज़ एट दैट टाइम दैट मिस एडवेंचर टू प्लेस एक उसके साथ मिस एडवेंचर बैड एक्सपीरियंस एक एडवेंचर तो अच्छी चीज़ है लेकिन मिस एडवेंचर उसके साथ कोई गलत घटना कोई भयानक उसके साथ एक हादसा हो जाता है वो क्या होता है कि व्हेन ही वाज सिटिंग ऑल अलोन वेटिंग फॉर अदर बॉयज टू कम वन स्ट्रॉन्ग बॉय केम एंड ही पिक्ड अप विलियम डगलस एंड थ्रू हिम इन द पूल और वो ही वेंट डाउन द वॉटर इन सिटिंग पोजीशन जैसे वो बैठा था वैसे उस हेल्दी लड़के ने उसको उठाया और विलियम डगलस को वो पानी में फेंक देता है अब आप अपने आप सोचिए कि उसको पानी में फेंक दिया ही डिड नॉट नो स्विमिंग उसको स्विमिंग आती नहीं है तो और आसपास कोई लड़का नहीं है या जितने भी वहाँ पर तैरने वाले सीखने वाले स्विमिंग पूल पे आते थे वो वहाँ पर नहीं थे और अब उसका हाल क्या है कि वो अपने को बचाने के लिए कैसे स्ट्रगल करेगा एंड दैट बैड एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज मिस एडवेंचर उसी बैड एक्सपीरियंस को मिस एडवेंचर बोल दिया अब जब उसको पानी में गिरा दिया एंड ही वॉज गोइंग डाउन द स्विमिंग पूल पहले तो उसकी जो नीचे की टाइल्स थी वो बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही थी लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके दिमाग में एक बात आती है ही डिसाइडेड ही मेड अ प्लान उसने क्या प्लान बनाई कि ही वुड हिट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल विद फुल फोर्स एंड स्प्रिंग अप टू द सरफेस एंड वुड वॉक टू द वुड स्विम टू द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल तो उसको ऐसे लगता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है एक बार करता है एक बार नीचे जाता है ज़ोर से नीचे अपने पैर आ, हिट करता है फिर ऊपर आता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नाक तक या मुंह तक वो पानी से बाहर निकलता था अगेन ही स्टार्टेड गोइंग द स्विमिंग पूल अगेन ही वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्लान एंड द प्लान वॉज दैट ही वुड हिट द बॉटम ऑफ द पूल विद फुल फोर्स एंड जम्प अप टू द सरफेस एंड कम आउटसाइड बट दैट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम एक बार करता है दो बार करता है तीन बार करता है और वो ऊपर नहीं आ पाता है देयर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है ही वॉन्टेड टू क्राई फॉर हेल्प बट देयर वॉज नो हेल्प एट ऑल एंड ही वॉन्टेड टू ही वॉन्टेड टू कॉल हीज मदर बट ही कुड नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू क्राई इन साइड द वॉटर एंड देन देर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड देर वॉज स्मेल ऑफ वाटर दैट टेंज ऑफ वाटर एंड ही वॉज अफ्रेड देर वॉज येलोनेस ऑल अराउंड हिम एंड ही वॉज स्केयर्ड बैडली ही वॉज अफ्रेड बैडली नाव वैन जब वो तीन दो तीन बार वो ऊपर नहीं आ जाता है तो उसको क्या लगता है कि नाव ही शुड स्टॉप स्ट्रगलिंग वो हार जाता है ही गेव विन ही उसने हार मान ली और उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया क्योंकि उसको क्या लगा कि देयर इज फियर इन फियर ऑफ डेथ डर किस चीज का है डेथ का जब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि मरना ही तो है तो वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है कि अब जो होगा देखेंगे तो वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है लेकिन फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव्ड बाई स तो वो लास्ट में उसको बचा लिया जाता है वो बाहर आता है बट जैसे ही वो स्विमिंग पूल से बाहर आता है वो इतना ज़्यादा डर गया है कि वेन ही वेंट होम ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट ही डिड नॉट ईट एनीथिंग दैट नाइट ही फेल्ट सिक ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट ना तो वो कुछ खाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है वो, वो बिल्कुल उसको बुरा लगता है सब कुछ और सारी रात वो सो नहीं पाता है ही वॉज़ ट्रेवलिंग थ्रू आउट द नाइट वो सारी रात जो है वो कांपता रहता है इतना डर हो गया लेकिन बेटा इस लेसन से हम एक चीज़ सीखेंगे कि वी शुड नॉट वी शुड नॉट स्टॉप वर्किंग टू अचीव आर ड्रीम्स अगर हमारे कोई सपने हैं उसका सपना क्या था मैंने स्विमिंग सीखनी है क्यों सीखनी है बिकॉज यू वॉन्टेड टू इन्जॉय स्विमिंग बोटिंग एंड फिशिंग ये चीज़ें सीखने के लिए ये चीज़ें इन्जॉय करने के लिए बोटिंग इन्जॉय करने के लिए फिशिंग इन्जॉय फिश पकड़ने के लिए फिर स्विमिंग के लिए हमें स्विमिंग आनी चाहिए क्योंकि अगर बोट में आप कहीं जा रहे हैं कोई ऐसा हादसा हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है यू मस्ट नो हाउ टू स्विम तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं तो वो उसका सपना टूटता नहीं है वो स्टिल ही वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग और इसलिए वो क्या करता है अब ही हायर द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर जैसे हम किसी कोच की सहायता ले लेते हैं किसी गाइड की सहायता ले लेते हैं ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर अब एक इंस्ट्रक्टर की क्यों बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंजॉय फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर अब इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग सिखाएगा क्योंकि इसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है ही वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग हार नहीं मानेगा ही डिड नॉट सरेंडर ही डिड नॉट गिव इन की जो मिस एडवेंचर इसके साथ हुआ ठीक है जो भी मिस एडवेंचर स्विमिंग पूल पर इसके साथ हुआ उससे ये डरा नहीं इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंजॉय फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग सो ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर मेड अ प्लान एक टेक्निक उसने क्या ए, उसके लिए सिखाने के लिए ए, उसको अप्लाई करता है वो क्या करता है कि ही टाइड अ बेल्ट अराउंड विलियम डगलस वेस्ट उसकी कमर के साथ वो एक क्या बांध देता है बेल्ट बांध देता है एंड द बेल्ट वॉज टाइट विद वन एंड ऑफ अ रूप रोप के एक हिस्से को बेल्ट के साथ बांध दिया एंड अदर एंड ऑफ द रोप वॉज हेल्ड बाई द इंस्ट्रक्टर थ्रू अ पुली एक पुली है जैसे आप देखते हैं पुली क्या होती है जैसे आप कुएं से पानी निकालते हो तो वो पुली के थ्रू जो है वो इजी हो जाता है उसको चलाना तो ऊपर ओवरहेड ओवरहेड उसके सिर के ऊपर से एक रस्सी जा रही थी उस रस्सी के साथ पुली बंधी थी और जो ये वाली रस्सी है जो उसके बेल्ट के साथ बंधी है इसका एक किनारा बेल्ट के साथ है और दूसरा पुली से होता हुआ इंस्ट्रक्टर के पास है अब ही वुड स्विम दे इन द स्विमिंग पूल वो क्या करता था कि जब वो मान लो डूबने लगता था तो उसको पुली को पुलिस के थ्रू उसको रस्सी को खींच लेता था तो विलियम डगलस उसके नज़दीक आ जाता था और फिर वो तैरता तैरता वो जाता था और पुली के सासू वो उतनी उतनी रस्सी उसकी आ, छोड़ता रहता था तो इट वॉज़ विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्टर दैट ही लर्नड स्विमिंग और बेटा स्विमिंग सीखने के बाद भी स्टिल ही हैड सम डाउट्स उसको अभी भी वो क्या करता था पानी के पास जाता था तैरता तो था बट स्टिल दैट फियर वुड कम बैक वो डर फिर आ जाता था वो फिर डर जाता था और डरने के साथ वो फिर पानी से डरने लग पड़ता था लेकिन उसने क्या किया कि नो no, आई हैव टू लर्न स्विमिंग मैंने स्विमिंग तो सीख ली है लेकिन विदाउट एनी फीयर बिकॉज दैट दैट फियर वुड कम अगेन दैट देर वर सम डाउट्स इन हीज माइंड रेजिडअल डाउट्स ठीक है तो उसके लिए उसने क्या किया अकेले ही वो ए, एक दो जगह जाता है वहाँ पर वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है और उसके बाद वार्म लेक में ही कैंप्ड एट वार्म लेक वार्म लेक पर जाकर के वो कैंपिंग करता है अपने आप वहाँ पर कुछ दिन रहता है और काफ़ी प्रैक्टिस uh, करता है माइल्स तक वो जो है स्विमिंग करता है ही स्वैम देयर फॉर माइल्स एंड अल्टीमेटली फाइनली ही वॉज एबल टू से दैट ओ आई हैव लर्नड स्विमिंग ऑल डाउट्स वर गॉन ओके ऑल फियर वॉज गॉन सो ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट नाउ ही अचीव्ड हिज गोल ऑफ लर्निंग फिशिंग ठीक है बेटा तो अब इसमें क्वेश्चन क्या हैं देखिए क्वेश्चन हैं जैसे पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट तो वट इज द मिस एडवेंचर मिस एडवेंचर इज द बैड एक्सपीरियंस दैट ही वेंट थ्रू वेन ही वॉज लर्निंग स्विमिंग एंड वैन ही जॉइन वाई एम सी ए पूल ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल बाई अ बॉय एंड ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिज लाइफ एंड दैट बैड एक्सपीरियंस इज हिज चर क्वेश्चन नंबर टू इज वट आर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फीयर्स द डगलस एक्सपीरियंस वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल वट प्लान डिड यू मेक टू कम टू द सर्फेस तो वट आर द सीरीज ऑफ इमोशंस तो सीरीज ऑफ इमोशन्स क्या थे आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है क्या इमोशन्गे इसके ही वॉज वेरी स्केर्ड अपनी लाइफ uh, के लिए सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है ठीक है ही वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड टू सेव हिज लाइफ देर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड ही वॉन्टेड टू क्राई बट देर वॉज ही कुड नॉट क्राई एट ऑल ठीक है तो ये इसके इमोशंस थे एंड वट प्लान डिड यू मेक तो प्लान क्या बनाई कि ही मेड अ प्लान दैट ही वुड हिट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल दो विद फुल फोर्स एंड जम्प अप टू द सर्फेस एंड वुड पैडल टू द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल ओके और तीसरा है हाउ डिड द एक्सपीरियंस एफेक्ट हिम द एक्सपीरियंस एफेक्टेड हिम बैडली उस एक्सपीरियंस से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ही वॉज ही वॉज अफ्रेड ही कूड नॉट ईट एनीथिंग दैट डे ही वेंट हीज ही वेंट टू हिज होम एंड ही स्लेप्ट बैडली ही कैप्ट ट्रेम्बलिंग ही कुड नॉट ईट ही फेल्ट सिक खा नहीं सका कुछ बिल्कुल उसकी तबीयत खराब होगी ही वॉज वेरी सैड ठीक है ही वॉज ट्रेम्बलिंग एंड एट नाइट ही कुड नॉट स्लीप तो ये इसके इफेक्ट थे देन स्टूडेंट अदर क्वेश्चन पेज नंबर पेज नंबर ट्वेंटी पेज नंबर ट्वेंटी नाइन why was Douglas determined to get over his fear of water जो भी आपका aim होता है वो आप क्यों करना चाहते हैं उसका कारण दे दो why was he Douglas determined to get over his fear of water वो अपने आप से जिस डर से वो जिस डर को फेस कर रहा था उसको क्यों डिटर्मेंट था इतना दृढ़ निश्चय क्यों था उसके अंदर कि मैं इस डर से काबू इस डर को काबू में रखूंगा इससे काबू पा लूंगा इस पर विजय हासिल कर लूंगा वाई डगलस वॉज डिटर्मिंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंजॉय फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग तो आपने यही तीन कारण देने वाई वॉज ही डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज यू वॉन्टी टू एंजॉय फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग ठीक है ये चीजें एंजॉय करना चाहता था इसलिए हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अउट ऑफ डगलस तो आप लिखेंगे कि ही वॉज डिटरमेंट टू गेट ओवर हिस्सर ऑफ वॉटर सो ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू स्विम ही Tied a belt around the waist of Douglas, and the belt was tied with one end of the rope. The other end of the rope was held by the instructor through a pulley. So he would swim to and fro. And the instructor also taught him how to exhale in water and inhale. आउट ऑफ वाटर पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ देनी है और जब पानी से ऊपर आएगा मुंह पर निकालेगा तो सांस कैसे लेनी है वो सारा कुछ उसको सिखा दिया एंड फाइनली ही वॉज़ अ गुड स्विमर ओके देन हाउ डिड डगलस मेक श्योर डेट ही कनक द ओल्ड टैरर उसको कैसे विश्वास हो गया कि उसने जो पुराना उसका डर था उसके उसके ऊपर उसने जीत हासिल कर ली है ही हैज़ अचीव्ड सक्सेस तो व्हेन ही विजिटेड अ स्विमिंग पूल और रिवर इन ऑर्डर टू स्विम देयर ही हैड सम डाउट्स द फियर वुड कम बैक फिर से डर लगता था फिर से डाउट होता था कि मैं तैर पाऊंगा या नहीं तैर पाऊंगा और इसलिए ही कैंप्ट एट वार्म लेक एंड स्टेड देयर फॉर सम टाइम एंड स्वयम फॉर माइल्स देयर एंड फाइनली ही वॉज श्योर दैट ऑल फीयर हैड गॉन और स्टूडेंट्स ये इसके जितने भी है मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए देखिए दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर आएगा तीनों सीरीज के लिए क्योंकि आपको बच्चों ये पता है कि फर्स्ट यू हैड एट लेसन बट नाउ यू हैड ओनली फाइव लेसन आपका जो सिलेबस है वो ड्यू टू लॉकडाउन करटेल कर दिया गया है काट दिया गया है कुछ को वो फर्स्ट फाइव लेसन्स करने आपने और आपको एट क्वेश्चन आएंगे तो हर सीरीज़ को हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ठीक है तो इसमें से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है एक आए दो आए, तो वो हर सीरीज़ को आएंगे तो इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पहले भी वैसे स्टूडेंट्स को भेज दिए हैं लेकिन मैं फिर से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आप उन्हें देखिए याद कीजिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सी स्टोरी लाइन आपको पता होना चाहिए कि विलियम डगलस जो है ही फियर ऑफ वाटर पानी के पास जाने से आ, डरता है लेकिन स्विमिंग सीखना चाहता है तो स्विमिंग के लिए तो पानी के पास जाना पड़ेगा तो उस लिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए स्विमिंग को सीखने के लिए ही जॉइंट वाई एम सी ए स्विमिंग पूल ठीक है लेकिन देयर ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस मिस एडवेंचर और उसके कारण वो डर जाता है लेकिन फिर भी उस वो डर भी उसका स्विमिंग का जो शौक था उसको तोड़ नहीं सकता है ही बिकॉज ही वॉन्टेड टू फिशिंग इन्जॉय फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग सो ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड अल्टीमेटली ही वॉज अ गुड स्विमर ठीक है तो उसके अंदर विल पावर थी डिटर्मिनेशन था वो हम लोगों में भी होना चाहिए स्टूडेंट्स में होना चाहिए आप सब कुछ अचीव कर सकते हो मत डरिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम थर्टीनथ अप्रैल से शुरू हो रहे हैं हमने अभी हाल ही में आपको पता है थर्टी फर्स्ट को प्लस वन का रिज़ल्ट आ गया है लेकिन आप हैरान होंगे कि प्लस वन वाले बच्चों ने एक साल घर पर रहने के बावजूद ही ऑनलाइन टीचिंग करने के कारण ऑनलाइन टीचिंग की हेल्प से उन्होंने इतने अच्छे पेपर दिए विश्वास नहीं होता है कि ये बच्चे एक साल घर में रहें सिर्फ एक महीना हमारे पास फेबर में पढ़े हैं हमने उनके टेस्ट लिए सब कुछ लिए एवरी थिंग इज़ पॉसिबल सिर्फ आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हेल्प हम करेंगे डरना नहीं है आपके पास नोट्स हैं स्टोरी लाइन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम दीजिए टाइम टेबल बनाइए और हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम दीजिए कहीं ऐसा ना हो कि तीन सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएं, एक आपका बुरा हो जाए तो परसेंटेज पर फ़र्क पड़ेगा सिर्फ डरना नहीं है सब कुछ होगा यही जीत होगी कि लॉकडाउन के बावजूद हम कुछ करने में समर्थ हैं ऑल द बेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए क्वेश्चन आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे तो आपने अपनी हिम्मत रखनी है और पूरी तरह से तैयारी करनी है